अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। ये है मॉर्निंग का टाइम, वेडनेसडे का, तो मैंने सोचा चलो आपको कुछ शूट करती हूँ। तो ये मैंने ऊट पटांग सा कुछ शूट कर लिया, अपना ब्रेकफास्ट जो कि सुबह मंगवाया था। ये हो रही है किसी के आमद की तैयारी, कि आप लोगों को आज मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मैं खुश क्यों हूँ वो आपको आगे दिख जाएगा कि मैं खुश क्यों हूँ। मैं बना रही हूँ किसी के लिए उसकी फेवरेट डिशेस। तो ये है दही फुलकी, जो कि मैंने सारी बना ली थी। तब मुझे याद आया कि अरे यार, अब मैं व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ, मैंने कैमरा नहीं उठाया। मुझे रेसिपी तो ये मेरे को दिमाग में था, मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ ये रेसिपी, तो क्या ज़रूरत है अब दोबारा रिपीटेड देने की। फिर याद आया कि अरे यार, व्लॉगिंग में काम आ जाएगी, तो इसलिए मैंने फिर लास्ट में ही था ये, तो मैंने ये फिर तल ली थी। और यहाँ मेरी हो रही है बिरयानी, जो मैंने छोंक दी है। ये है मेरी चिकन की बिरयानी। फिर मुझे याद आया कि मैंने चिकन बिरयानी की रेसिपी नहीं डाली है, और मैं सारा कुछ बना चुकी थी, तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो बस अब क्या कर सकते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं। ये मैंने दही फुलकी बनाई है, तो मैंने अपनी फुलकियों को पानी में भिगो दिया, अच्छे से डिप कर दिया है, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और आज थी मैं बहुत खुश, आपकी अप्पी की आज आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वो कितनी खुश हैं। खुश क्यों हैं वो आगे आपको मैंने अभी बोला है कि पता चले। देखो मेरी फुलकियाँ कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। और थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे पहचान लिया कि मेरी आवाज़ को। तो हाँ, थोड़ा दुख कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। कल मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि नहीं वो करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए, ये मैंने होममेड नाश्ता है मेरा। मैंने बनाए थे चिली पटैटो, चिली रोल, तो और चाय। ये मैंने नाश्ता बनाया था। मैं गई थी मम्मी के घर, और आपको पता होगा ये कौन है। ये आपके जुमजुम वर्ल्ड के मैडम के हब्बी हैं, और ये उनकी सासू माँ हैं, और ये रही हमारी मैडम जुमजुम वर्ल्ड की। तो ये आई थी आज हमें सरप्राइज़ देने के लिए, जो कि मैं पहली पहले मैं ना घर में सफाई कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने झाड़ू लगा रही थी, देखा तो इसको, मेरी तो हालत इतनी ख़राब थी, मैं तो चिपट के खूब रोई खूब रोई। फिर कह रही रो क्यों रही हो, मैंने कहा इतना टाइम हो गया था ना, तो बहुत मिस कर रही थी। हालांकि वीडियो कॉलिंग पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो बात मिलने में है, एक दूसरे को छूने में है, वो कहाँ। ये है हमारी मिनाज, सबसे छोटी बहन है ये मेरी, ये मेरी अफू। इनके साथ अगर कैमरे से खेलो तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये जुमजुम है। तो आई थी बुलबुल घर पे अपनी पूरी फैमिली के साथ मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। और इन क्यों आई थी, किस लिए आई थी, वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, वो आपको जुमजुम वर्ल्ड से ही पता चलेगा। और ये बनाई थी मैंने चिकन बिरयानी, और जो कि अभी सबने प्लेट में निकाल लिए, तो ख़त्म हो गए। तो मुझसे बोल रहे थे लेकर आओ, मैंने कहा पहले मैं वीडियो शूट कर लूँ, वरना मैं फिर भूल जाऊँगी। जैसे मैंने दही फुलकियों का नहीं दिया आपको पूरा रेसिपी, और ना ही वो करा, तो प्लेटें भी बल्कि मैं पूरी नहीं लेकर आई थी, मैं दो तीन प्लेटें ही उठा लाई थी जल्दी से, कि मुझे याद आया कि घर। तो उनके हस्बैंड कह रहे हैं आओ मेरे साथ ही खा लो। मैंने कहा अच्छा, मैं बुलबुल से कहती हूँ, मैंने कहा बुलबुल जल्दी से स्टार्ट हो जा खा ले। तो बड़ा मज़ा आया, बुलबुल आई, उसकी फैमिलीज़ में सब जने आए, उनकी मम्मी जी आई, और उनकी ननद आई, और हस्बैंड आए थे, देवर भी आए थे। ये है मेरे पापा, जो बहुत सीधे सादे से हैं और बहुत प्यारे हैं। ये मैंने बनाया था लास्ट में स्वीट डिश में, थोड़ा देसी स्टाइल में। हमारे यहाँ इनको सेवइयों का सकराना बोलते हैं, तो मैंने सेवई बॉईल करके ब्लांच कर दिया था। फिर आ गई हमारी यहाँ पे, हेलो, हाय गाइस, मेरी आवाज़ आएगी? हाँ आएगी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपना आशियाना में, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए। फिलहाल मैं आई हुई हूँ अपने मायके में, और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना नाश्ता। तो आप लोग भी आइए और इंजॉय कीजिए। और मैं ज़्यादा टाइम के लिए आई, और मैं क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, ये आपको डिटेल में बताएंगे अपना आशियाना।